हेलो हीरोज, मैं विशाल रोलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ जो सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में। तो अगर आप लोग को ऑफलाइन स्टडी करनी हो, ऑनलाइन स्टडी करनी हो, तो आप मेरे वीडियोज़ के माध्यम से कर सकते हैं, और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इस क्लास को देखने से पहले बेटर होगा कि आप लास्ट क्लास को देख लो तो आपका फ्लो बना रहेगा। और वीडियो में किसी तरह की साउंड आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी क्या है, बारिश हो रही है और थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस आखिर किस चिड़िया का नाम है भैया, रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, मानो किसी भीड़ में, क्राउड में आप अकेले इधर से जा रहे हो। ठीक है, आप अकेले आदमी हो, इधर से मूव कर रहे इधर को, बात को समझिएगा, मजा आएगा। और इधर से 10 लोग आ रहे, ठीक है, एकदम हट्टे कट्टे खली भाई जैसे। ठीक है, तो आप ये सोचो, ये भी रुकने को तैयार नहीं है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहे हैं, ये भी बंदे रुकने को तैयार नहीं है और आप भी रुकने को तैयार नहीं है। तो मानो आप स्टार्टिंग में जा रहे थे, सपोज 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चलो मान लेते हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही आप इन बंदों के पास पहुंचोगे, धक्का मुक्की होगी। ठीक है, धक्का मुक्की होगी, तो एक बात सोचो, क्या आपकी स्पीड पहले जितनी रहेगी, या डिक्रीज कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी? ऑब्वियस सी बात है भैया मुन्ना, ये इंक्रीज तो नहीं करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने लोग आपके मोशन का अपोज कर रहे हैं। पहले आप एकदम फ्री थे, किस लिए? मोशन करने के लिए, फ्लो करने के लिए। लेकिन अभी आप फ्री नहीं हो, अभी आपको यहाँ अपोज करने वाले एलिमेंट खड़े हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो पहले से क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, यानी ये लोग जो हैं आपके पाथ में, आपके स्पीड को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है? इसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस भी उन्हीं किनके जैसे हैं, ये जो मैंने यहाँ बताया, ये जो अपोज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ इसी की तरह है। इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ मानो एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दी, यहाँ किसी बैटरी सेल से क्या है, करंट जनरेट हो रही है, वी वोल्टता है इसकी, आई आ रही है। तो पहले जितनी फ्री हो के ये करंट इस सर्किट में फ्लो कर पा रही थी, अब ये नहीं है, अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसे आर से दिखा रही है, अपोज करेगी। ठीक है, या कहीं ना कहीं क्या करेगी, लिमिट करेगी, या कहीं ना कहीं क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, किसे, करेंट को, है ना। बोलेगी भैया थोड़ा सा आराम से चलने का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, इसे कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का अगर डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हो, रेजिस्टेंस इज दैट एलिमेंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोजेज और लिमिट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, अब फैक्टर्स इनको कौन कौन से क्या है, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे खुद के बनाए नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लाइव क्लास के नोट्स देख के खुद से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। क्या, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सबसे पहले जो फिजिक्स में यूनिवर्सल बॉस हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, जो यूनिवर्सल बॉस हैं, मैं बोलता था टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस चेंज होती है, कंडक्टर की, इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की, ये सभी अपन को क्लास 12 में पढ़नी है। ठीक है, डिटेल में। उसके बाद होती है जो रेजिस्टेंस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ वायर और लेंथ ऑफ कंडक्टर जिससे ये फ्लो कर रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर और लेंथ ऑफ कंडक्टर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी भैया क्या हो जाएगी, प्यार से इंक्रीज कर जाएगी। रेजिस्टेंस का नहीं बनता है किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर और वायर से। ठीक है,
तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर एरिया डिक्रीज होगी तो क्या भैया बात तो नहीं बन रही है, तुम जो करोगे उसका तो अपन अपोजिट करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोलेंगे नहीं समझेंगे भाई, तुम जाओ, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मटेरियल किस चीज़ की बनी है, जैसे आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, ठीक है। मटेरियल टू मटेरियल ये क्या करेगी, वेरी करेगी, तो नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है आप देख लो, यहाँ से क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जो आर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ वायर के, और जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो यानी मैं इसे वन मान लूँ और इसे मैं टू मान लूँ, ठीक है, वन और टू मान लो। अगर हम कंबाइन कर दें, क्या वन और टू को कंबाइनिंग, CUMBINING, वन एंड टू, तो वन और टू को कंबाइन करेंगे तो हमारा प्यारा सा सुंदर सा छोटो सा नन्नो सा इक्वेशन आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू वन बाई ए। और इसे क्या कह सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है। अब भैया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो हमेशा प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल टू विथ सम कांस्टेंट से रिप्लेस होती है, यानी यहाँ इक्वल टू और यहाँ कंस्टेंट आएगी चचा भैया मुन्ना हमारे रो, तो ये हो जाएगी रो एल बाई ए, ठीक है भैया। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारा रेजिस्टेंस का, जहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आर क्या है, आर हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद रो क्या है हमारी, रो भैया रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ओके। और उसके बाद क्या है हमारी, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर मैंने बता दिया आपको, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ठीक है भैया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात कर लें, किसकी, तुम्हारे पड़ोसी की, अब बुढ़वक, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल होता है हमारा ओम, ठीक है भाई। तो इसे आप क्या है ध्यान में रखेंगे। तो इस क्लास का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ लोगे, मैं शुरू से बता देता हूँ, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल फैक्टर है, और जो हमारी फाइनल फार्मूला ये आई है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो स्टडी पॉइंट नाम की एक एकेडमी मैंने खोली है, तो वहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ, क्योंकि पेंडेमिक है हमें अलाउ नहीं है क्लास चलाना, तो इस के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को नीड होगी तो अपने दोस्तों से शेयर करें, नहीं तो आपको एजुकेशन अच्छे से करना है, आप यूट्यूब पे भी बने रहें, मैं कोशिश करूँगा कि अपने बिजनेस शेड्यूल में मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता रहूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अच्छी बात है, कीप वॉचिंग, नहीं पसंद आता है तो आप देखना छोड़ भी सकते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नॉलेज बढ़ाने के लिए।